मैं आपकी बताइए नेता प्रतिपक्ष में धैर्य की कमी है और धैर्य क्यों रखेंगे तो उनके हर बात का जवाब दिया जाएगा। जिस राज्य उच्च पद की चर्चा कर रहे थे मैं उसकी भी नेता प्रतिपक्ष को पूरी बात को आप सुन ले पहले नेता प्रतिपक्ष को मैंने धैर्य से सुना है। मंत्री जी पहली बार बोल रहे हैं तो आप पूरी बात को सुने। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अभी तो ये प्रारंभ किए हैं। नहीं नहीं मैं आपके काम को भी बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष में धैर्य की कमी है और धैर्य क्यों रखेंगे तो उनके हर बात का जवाब दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के हर बात का जवाब दिया जाएगा केवल धैर्य से सुने। धैर्य से सुने जो अभी बहुत समय है, बहुत समय है। आपकी सारी बातों का जवाब दे के हैं जो SH की बात कर रहे हैं माननीय अगर इन्होंने ही विषय उठाया इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि NH और SH में कितना परिवर्तन आया है ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि वर्ष 2005 में मात्र 51 किलोमीटर सड़कें दो लेन की थी जबकि आज वो बढ़कर 2514 किलोमीटर हो गई है और दो लेन से चार लेन की सड़कें तो थी ही नहीं वो 355 किलोमीटर चार लेन की सड़कें SH में दो लेन की सड़कें। ये जानकारी केवल नेता प्रतिपक्ष के लिए था। इसके बाद जो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस सड़कों के शुद्धिकरण के काम कर रहे हैं साथ ही साथ नदियों पर पुलों का निर्माण कई हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा किया। मुझे लगता है कि आज कोई हर गंगा नदी हो कोशी हो गंडक हो सोन हो बागमती हो किऊल हो चानन हो पुनपुन हो फल्गुन हो महानदी हो महानंदा हो ऐसे सभी नदियों पर आज पुलों का निर्माण किया गया। 21 मेगा ब्रिज का निर्माण हमारी सरकार ने किया और करीब 1171 जो 60 मीटर के ब्रिज होते उनका निर्माण हुआ। साथ साथ वर्ष जो अभी हम लोग के माननीय सदस्य बताए थे जिस छपरा से आते हैं उसी छपरा से पटना आने में मात्र 10 लेन की पुल की क्षमता थी जो हमारी सरकार ने आज 62 लेन के पुल की क्षमता को बढ़ाया है। ये गंगा नदी प्रतिवर्तन इसको दूसरा पैमाने पे हम लोगों ने लिखा कि संघन बसावट वाले जिस क्षेत्र हैं वहां पर एलिवेटेड संरचनाओं की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हम सड़कों से हाईवे से तो निकल के आते हैं पर शहर से जब गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो बसावट हमें समय ज्यादा लेता है तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर करने के लिए सबसे पहले राजधानी के साथ साथ कई एलिवेटेड सड़कों का निर्माण की योजना पर काम शुरू किया। और सच्चाई है कि पटना सहित प्रमुख शहरों में आज बड़े पैमाने पर राजधानी में एलिवेटेड सड़कों का निर्माण हुआ चाहे वो एम्स का हो चाहे अन्य पटना शहर के अंदर। साथ ही साथ जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे छपरा शहर में भी डबल डेकर फ्लाईओवर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप बन रहा है। किशनगंज शहर में एलिवेटेड रोड इसकी भी काम इसी वित्तीय वर्ष पूर्ण होने वाला है। इसी को चरणबद्ध तरीके से भी हम लोग लेने जा रहे हैं और गोपालगंज बेगूसराय ताजपुर मुसरीधराई दलसिंहसराय बिहार शरीफ और हनौत में भी हम लोग इस एलिवेटेड संरचना पे काम करने जा रहे हैं। पटना शहर में मीठापुर से मोहली 8 किलोमीटर की जो सड़कें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही वर्ष उसका शिलान्यास किया और ये योजना से भी हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो पटना से बाहर निकलने वाले हमारी आबादी है और अंदर आने वाली अभी दोनों को लाभ मिलने वाला है। इसके बाद इसी क्रम में हम लोगों ने रेलवे जो ऊपरी पुल की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे मैं उनका भी इस बात 2005 से 2014 जो जिसकी चर्चा वो कर रहे थे कि आया तो 2000 से 2015 के बीच में 34 ROB बना और 14 नए ROB अभी निर्माण काम चल रहे हैं।